सामान लेके जा रहे हैं। तो आज वीर ओरियो केक बनाने वाला है, उसी का सामान हम लेने के लिए आए थे और साथ में दूध वूध भी ले लिया। देखो कैसे बनाता है, पहले भी बनाया उसने, तो बार बार बनाएगा तो परफेक्शन आएगा। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, नाउ टाइम हैज कम टू मेक अ वेरी वेरी स्वीट एंड चॉकलेटी केक विच विराज ऑफ कोर्स छोटा यूट्यूबर इज गोइंग टू मेक इट। विराज अभी कैन यू प्लीज ओपन क्या क्या मटेरियल है? ये एक तो पहले ओरियो यूज कर रहे हैं, ओरियो आइसक्रीम। सो ओरियो को निकालिए, कितने ओरियो आपने मंगाए हैं बनाने के लिए? काउंट कीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओरियोस। माय गॉड, इतने सारे ओरियो का आप क्या करोगे? केक बनाएंगे ऑब्वियसली। केक, चलो दूसरी चीज क्या है? दूसरा क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम, और ये है शेमलेस वनीला आइसक्रीम। वाओ, ओके। और हैं ये थोड़े डेरी मिल्क के चॉकलेट्स। डेरी मिल्क के चॉकलेट्स। सो यही सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं या इसके अलावा और कुछ लगता है? इतने ही चाहिए होते हैं। सो ओरियो केक के साथ साथ हम बनाएंगे अपनी टी। टीना हमारी टी बना रही है, इवनिंग टी, उसका मजा लेंगे इस मौसम में, अच्छे से मौसम में। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज, लेट्स गो फॉर टी। कहते हैं केक टिन जिसपे केक बनेगा। हम इसमें ये भी डालने वाले हैं क्या? आलमंड्स? नो, नहीं। ओके, वीर खाने से पहले आलमंड्स खा रहा जो उसके सुबह से बिका के रखे थे। एंड बाय द वे, वीर को उसकी मॉम भी सपोर्ट कर रही है। इसमें क्या डाल रहा है तू? देखिए कैसे केक से चॉकलेट और बिस्किट से क्रीम निकाली जा रही है। क्रीम क्यों निकाली जाएगी? मम्मी क्या बताएगी, तू बता। बिस्किट को क्रम्बल करना है इसलिए क्रीम बाद में डालेंगे हम। ये कुछ टीना अपना अलग से स्पेशल बना रही है, पता नहीं क्या चॉकलेट ला चुका है ब्रेड के साथ कोई साथ। ये मोनालिसा की फोटो है और इस फोटो की खासियत ये है कि आप जिस साइड मुड़ते हैं देखिए ये उसी तरफ उसकी आंखें घूम जाती है। जब मैं पेरिस गया था तो वहाँ से लेके आया था छोटा सा, एंड ये आप देख सकते हैं कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ उनकी आंखें घूमती है। लंदन का है, जब मैं लंदन गया था तो वहाँ से लेके आया था। ये पेरिस का है, ये हांगकांग का है। हांगकांग हम दूध को अलग कर रहे हैं जो जम गया है साइड से। क्या है? सो हमारा प्लान चेंज हो गया, हम दूध पिएंगे ना कि चाय। इसका नाम क्या है टिनी? चॉकलेट सैंडविच। एक डिश बनाने बन गई, दो। ये क्या है? इसमें डेरी मिल्क के साथ में बनाना कर दिया है, देन इसमें आलमंड्स भी डाल रही हैं। वाह भाई वाह, सोने पे सुहागा हो गया है। छोटा यूट्यूबर लगा हुआ है काम में, बहुत सारे कर दिए और अभी भी 3 4 5 पैकेट बाकी हैं। के बाद इसको डाल दीजिए फ्राई पैन है। तो शाम हो गई है तो ये विंडो इधर खिसकानी पड़ेगी और ये जाली वाली खिड़की खोलनी पड़ेगी ताकि वेंटिलेशन आता रहे। सो वीर ने क्रीम निकाल दी है सारी और ये रहे आपके ओरियो के बिस्किट्स रेडी। डिश भी बन चुकी है बट लगता है किसी ने ऑलरेडी टेस्ट कर ली। हम चले हैं अपनी गरम गरम मिल्क लेके और ये हम करेंगे टेस्ट। हम करेंगे इसको टेस्ट और देंगे आपको रिव्यू। वाह, सोने पे सुहागा, पता नहीं कि चोर आ गए। देखो ये देखो कितना बड़ा बाइट ले रहा है भाई। ये क्या है, हैं? क्या है ये, कैसा लग रहा है? नाइफ भी हो रहा है विराज।
कर रहे हो? रंबल। मिक्सी के बदले हम इसमें करें फटाफट। हो रहा है? क्रीम को थोड़ा मेल्ट कर रहे हैं। ओके, ये बनके तैयार नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा क्रम्बल कर दिया है इसको। मुंबई शहर तो नहीं दिख रहा, बट आपको सिर्फ सोसाइटी दिखा रहा हूँ। रात में कैसी लगती है? कुछ कुछ लाइटें जली हुई हैं और वो दूर कुछ कुछ लाइटें हैं, दिखाई नहीं देंगी। और इसमें ये दूध डाला जा रहा है, अब उसको शायद मिक्स किया जाएगा। इसे मिक्स करो वीर, टेस्टी होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में सैनिटाइजर। ये तो एकदम देखते ही एकदम मज़ा आ रहा है भाई। ये देखिए पूरा बन गया है ऑलमोस्ट। बेकिंग पाउडर के अलावा कुछ और भी डलता है, नाम भूल गए हम लोग, बट हमारे पास है। और ये कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई को जला दिया गया है, इसको इसमें रख दिया जाएगा और इसको ढक दिया गया है। और कितनी देर तक इसको अभी रखेंगे ऐसे? 20 मिनट्स। सो चॉकलेट भी बाहर निकाल दी गई क्योंकि इसको मेल्ट करना है। यस, ओह हो गया थी ना। चाकू डालो। हाँ, पाँच मिनट और लगेंगे। और इन द मीन टाइम ये हमने चॉकलेट भी मेल्ट कर दी है, तो ये चॉकलेट भी बन गई है। तो ये बन चुका है ऑलमोस्ट। ये देखो इसमें से जो स्टीम निकल रही है ये इसके बनने की निशानी। और इसमें जो दो गड्ढे हैं ये हमने जस्ट चेक करने के लिए कि बना कि नहीं बना। तो ये हमारा होममेड केक ऑलमोस्ट बन चुका है। इसका रिव्यू जो है हम देंगे खाने के बाद। सो ये हमारे शेफ विराज, आ जा शेफ विराज लेके आ गए हैं अपना केक और आइसक्रीम। पहले ही ले आए, वाह वेरी गुड। ये कट रहा है, वाह व्हाट अ डिलीशियस, ओह सुपर शेमलेस वनीला आइसक्रीम। शेमलेस वनीला आइसक्रीम, अरे इतना बड़ा बड़ा शेमलेस वनीला आइसक्रीम, दैट्स ऑल। चलो अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं। ये हमने लिया और सुपर शेफ खा रहा है अपने आप। थैंक यू विराज फॉर मेकिंग वंडरफुल केक एंड थैंक्स फॉर चेन। बोलेगा नहीं? सो इफ यू लाइक द व्लॉग share it, like the channel and like the video and share the video. Thank you.